राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बुरी खबर आई है। आप भी राशन कार्ड धारक हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही राशन कार्ड योजना का लाभ उठा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बुरी होने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा मिली जानकारी के अनुसार भारत में लाखों कार्ड धारकों के राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। अब लाखों लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा नहीं मिल पाएगी, जिसमें अगर आप भी चाहते हैं कि लंबे समय तक टिकना है तो आपको आजमाना चाहिए ये उपाय। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक निर्देशा जारी किया है, भारत में कम 10 लाख लोगों फर्जी तरीके से मुफ्त राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि ऐसे लोग जिन्होंने फर्जी तरीके से इस मुफ्त राशन कार्ड लाभ उठा रहे हैं उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने फर्जी राशन कार्ड धारकों की लिस्ट तैयार कर ली है, जल्द ही उस सभी लोगों का कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया कि भारत में लगभग 80 करोड़ लोग राशन कार्ड योजना का लाभ उठा रहे हैं जिसमें से कार्ड फर्जी पाए गए हैं। सरकार को उन लोगों को मुआवजा भी देना होगा। जो लोग राशन कार्ड के लिए अपात्र हैं और फिर भी राशन कार्ड बनवा चुके हैं उन लोगों को मुफ्त में गेहूं, चावल और चने नहीं दिए जाएंगे। सरकार ने बताया है कि सभी अपात्र लोगों की पूरी सूची डीलर को भेजी जाएगी। इसके बाद डीलर इन लोगों को राशन नहीं देंगे और डीलर वैसे कार्ड धारकों के नाम अंकित कर उनकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय में भेजेंगे, जिसके बाद उनके कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। NFSA से मिली जानकारी के अनुसार उन कार्डधारियों के नाम सूची से हटा दिया जाएगा जो आयकर देते हैं या जिनके पास 10 बीघे से अधिक जमीन है। ऐसे लोगों को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं मुफ्त राशन का लेकर धांधा करते हैं, ऐसे लोगों की पहचान भी कर ली गई है। इस लोगों को कार्ड भी रद्द कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।